फ्रांस के बाद यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर होगी चर्चा। यूएई के दौरे के बाद बहरीन भी जाएंगे पीएम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा कांग्रेस का आक्रोध, आज कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। देश के अलग अलग राज्यों में होगा हल्ला बोल, कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के फैसले का छात्रों के भविष्य पर असर, श्रीनगर में परीक्षा केंद्रों पर होने वाले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कैंसिल, 25 अगस्त को भी नहीं होगी परीक्षा, टेस्ट की अगली तारीखों का भी नहीं किया गया ऐलान। कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर आज मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी, 236 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी के दौरे को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा। बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सफाई भी नहीं आए काम, कांग्रेस समेत कई दलों ने दागे सवाल, पूछा अर्थव्यवस्था ठीक है तो फिर क्यों जा रही है नौकरियां। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग जल्द करेगा ऐलान। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के मामले में आज होगी सुनवाई, सपा सांसद आजम खान ने एसडीएम के गेट तोड़ने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, कोर्ट ने आजम खान को दी थी सेशन कोर्ट जाने की छूट। आज से अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दो दिवसीय दौरे पर मेनका गांधी, डेढ़ दर्जन से अधिक गांव का करेंगी दौरा, 25 अगस्त को इसौली विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगी मेनका। छत्तीसगढ़ में जनता को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल, गढ़ियारी गोंदवारा मार्ग पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। कश्मीर पर अब भी नहीं बदले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सुर, कहा हम नहीं देंगे दहशतगर्दों को बढ़ावा, कश्मीर से ध्यान भटकाने के लिए भारत पाक पर लगा रहा है आरोप। और आज से होगी प्रो कबड्डी लीग के दिल्ली लेग की शुरुआत, बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ उतरेगी दबंग दिल्ली, जोगिंदर नरवाल नवीन कुमार समेत कई खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर खेलते देखने का मिलेगा मौका।